नमस्कार, सियासत की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं बृजेश पांडे। सबसे पहली खबर, क्या गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमला हुआ है? मुर्ज़ा अब्बासी के पीछे कौन है? क्या मुर्ज़ा किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आया था? गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। हथियारों से लैस एक शख्स कैसे मंदिर के अंदर घुस गया? एडीजी प्रशांत कुमार और एसीएस अवनीश अवस्थी ने इस पूरे मामले पर विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एडीजी ने कहा इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है, एटीएस को जांच में लगाया गया है। सुबह जब गोरखपुर के एसएसपी का बयान आया था, उन्होंने भी बड़ी साजिश आशंका जताई थी, लेकिन जब लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कई चौंकाने वाले तथ्य आए। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रशांत कुमार जो एडीजी हैं, उनकी बाइट, और फिर सुनते हैं एसीएस अवनीश अवस्थी की बाइट। एक आतंकी घटना कहा जा सकता है, ये गंभीर मामले पर मैं चाहूंगा कि विस्तृत रूप से एडीजी एलओ साहब जो है इस पर आपको ब्रीफ करें, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं उन पर मैं अंत में आपको बताऊंगा। प्रशांत, बीती शाम लगभग 7 बजे एक व्यक्ति गोरखनाथ मंदिर के गेट नंबर 1 पे तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से उसने हमला किया तथा कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके अटैक से 2 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका नाम क्रमशः गोपाल गौड़ और अनिल पासवान है। क्योंकि आप सबको विदित है कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी अपनी एक सुरक्षा योजना होती है और उसके तहत ही वहाँ तैनातियाँ रहती हैं। वहाँ के सजग और सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही अन्य साथियों के साथ मिलकर उस व्यक्ति को काबू किया तथा उसकी गिरफ्तारी की। उस व्यक्ति के पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, वो उन चीज़ों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी, और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल इसको वहाँ एटीएस की टीम गई है। आज वहाँ एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएम दोनों रवाना कर दिए गए हैं, और जो शासन के मंशा है उसके बारे में एटीएस के द्वारा अलग से बताया जाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हम लोगों को अभी तक प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी ही सनसनीखेज हैं, और विवेचना के बाद से बिना विवेचना के गुणवत्ता को इफेक्ट किए हुए जो चीज़ें आपके साथ शेयर करनी होंगी हम तत्समय बताएंगे। अभी विवेचना बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है। मुकदमा गोरखनाथ थाने में 60/22 दर्ज किया जा चुका है, जो कि घटना से संबंधित है, तथा एक अन्य मुकदमा 61/22 जो कि उसके पास से जो धारदार हथियार मिला है उससे संबंधित है, दर्ज किए गए हैं, और आगे की विवेचना अभी स्थानीय पुलिस के द्वारा की जा रही है। आगे जैसे भी निर्देश या जो भी डेवलपमेंट्स होंगे शासन के, उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, अभी शासन के द्वारा सभी महत्वपूर्ण संस्थानों और वाइटल इंस्टॉलेशन जिसको हम कह सकते हैं उनकी सुरक्षा योजना पुनरीक्षित की गई है, और उसके तहत ही वहाँ अधिक पद भी स्वीकृत किए गए हैं जो आज के थ्रेट परसेप्शन है उसके साथ। समय समय पे इन योजनाओं का, सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा शासन स्तर पे तथा स्थानीय स्तर पे अगर कोई नए डेवलपमेंट होते हैं तो उसके हिसाब से की जाती है, और अंत में शासन के द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है। उसके तहत ही गोरखनाथ मंदिर, अयोध्या जी, वाराणसी
और मथुरा और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण बिल्डिंग और संस्थाएं हैं उनकी सुरक्षा एक सुरक्षा योजना के तहत की गई थी, जिसके तहत ही वहां तैनात बहादुर पुलिसकर्मियों ने इस पूरे घटना को विफल कर दिया और कोई बड़ी घटना नहीं होने दी। अगर ये व्यक्ति अंदर प्रवेश कर जाता तो जहां आम व्यक्ति दर्शनार्थी वगैरह हैं उनको बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंच सकती थी और स्थिति बेकाबू भी हो सकती थी। तो मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बहुत ही संयम का परिचय देते हुए और उसको गिरफ्तार किया है। वो व्यक्ति आज न्यायिक हिरासत में जाएगा, उसका प्रॉपर जो उसको चोट लगी है उसका इलाज भी कराया जा रहा है तथा हमारे जो साथी जिन्हें चोट लगी थी उनको भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना की विवेचना UPATS को दी गई है और UPATS अब इसकी विवेचना टेक ओवर कर रही है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिया है कि हमारी जो दोनों एजेंसीज है UPATS और UPSTF ये जो है घटना के अनावरण हेतु संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तीन लोगों ने जो हमारे दो पुलिस कांस्टेबल्स दो BAC के कांस्टेबल्स और जो पुलिस के कांस्टेबल्स ने इस घटना को विफल किया और खुद जो है जाबाज रूप से बहादुरी से काम किया है, श्री गोपाल गौड़ कांस्टेबल PSC, श्री अनिल पासवान कांस्टेबल PSC और श्री अनुराग राजपूत कांस्टेबल नागरिक पुलिस, इन सब लोगों ने जो बहादुरी का काम किया है तो इसमें मुख्यमंत्री जी ने इनको 5 लाख रुपया जो है नगद घोषित किया है और वो इनाम शासन की ओर से इनको बहुत जल्दी ही दिया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिए हैं जैसा अभी ADG LO साहब ने बताया कि इसके लैपटॉप मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सफ़ी अहमद लखनऊ से और प्रदीप गोरखपुर से। प्रदीप, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल होगा कि ऐसा ये सुरक्षा में बड़ी चूक भी देखी जा रही है, प्रशासन इसे आतंकी हमला भी बता रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये मुर्ज़ा अहमद मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है, आखिर क्या कहानी निकल के आ रही है गोरखनाथ मंदिर के ऊपर हुए इस हमले की? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरीके से कल जो है 7 बजे का ये मामला है और 7 बजे जिस तरीके से एक बाइक को उसने आकर के सुरक्षा कर्मियों पे हमला बोल दिया और देखते ही देखते ये नजारा वहां, चूंकि कल संडे का दिन भी था, काफी संख्या में श्रद्धालु भी संडे छुट्टी की वजह से आते हैं, एक तरह से अफरा तफरी का माहौल वहां पे हो गया था। लेकिन सुरक्षाकर्मी और वहां जो मौजूद लोगों थे उनकी काफी कोशिश के बाद से जो है उसको पकड़ा जाता है और उसे जो है जब तक उसको पकड़ा गया तब तक वो दो जो है PSC सिपाहियों पर काफी हमला भी कर चुका था। लेकिन जो पूछताछ में जो सामने थोड़ा आ रहा है, चूंकि जो मामला ATS जांच कर रही है इस पूरे मामले में, जो भी इसके पास से ATM आधार कार्ड या जो भी मिले हैं, लैपटॉप जो मिला है उसके आंकड़े से जो भी अभी ATS उस पर जांच कर रही है। लेकिन जो उनके पिताजी का कहना है, जो कुछ सामने मौखिक तौर पे आया है कि उसकी दवा चल रही थी, वो मानसिक रूप से काफी बीमार था, उनके पिताजी का ये भी कहना है कि वो घर से निकलता नहीं था और ये भी बात आ रही है लोगों के माध्यम से कि कुछ 2 दिन पहले जो है ATS के कुछ लोग उसके घर पे भी गए थे जिससे वो थोड़ा सा प्रेशर में था। तो ये चूंकि जांच का विषय है, अब आगे देखना ये है कि क्या कुछ सामने निकल के आ पाता। लेकिन ADG ने जो कल बात कही है कि ये आतंकी हमला हो सकता है तो उस नजरिए से भी चूंकि जांच हो रही है, जो पुलिस की 5 टीमें जो है अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जांच की जा रही है और जो जिले से बाहर जो इनके पास से रिकॉर्ड मिला है, चूंकि DIG ने कहा कि सारे रिकॉर्ड वो बता नहीं सकते हैं, कुछ गोपनीय रिकॉर्ड है, उस आधार पर भी चूंकि जांच अभी चल रही है, अब देखने की बात यह है कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जी प्रदीप, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उसी मंदिर से हैं, पीठ से हैं, वो भी वहां पहुंच गए हैं, क्या किन किन से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और क्या आश्वासन दिया वहां पे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। गोरखपुर पहुंचने के बाद BRD मेडिकल कॉलेज का उन्होंने दौरा किया है और वहां जो सुरक्षाकर्मी जो कल इस घटना से जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे हाल भी लिया है, क्योंकि उनको जो राहत देने के लिए जो इनाम जो दिया गया है 5 लाख का
वो भी उनको दिया जाएगा। तो एक तरह देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो सबसे पहले गोरखपुर आने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया है, और हो सकता है अभी जो है सुरक्षा के मद्देनजर जो अधिकारी हैं, चाहे एसटीएफ एटीएस और जो लोकल प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक भी कर सकते हैं। जी देखिए प्रदीप, एक चीज़ और भी है कि गोरखनाथ मंदिर की महत्ता किसी से छिपी नहीं है, प्रधान मुख्यमंत्री वहीं से आते हैं। आपको नहीं लगता कि प्रशासन इसे सुरक्षा में चूक के तौर पर भी देख रहा है, और कल और आज में सुरक्षा व्यवस्था में कितना अंतर दिख रहा है? जी बिल्कुल, बता दो आज अगर सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो काफी चुस्त दुरुस्त है। अगर ये सुरक्षा पहले और इसी तरह से रखी जाती तो इस तरह का माहौल नहीं बन पाता। तो एक तरह देखा जाए तो प्रश्न तो उठता है इस सवाल पे कि इस तरीके से हथियार लेकर के और वो मंदिर के परिसर के अंदर चला जाता है, तो एक सवाल या निशान पुलिस प्रशासन के और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर खड़ा होता है, जिसको जो है दूर करने की जरूरत है। चूंकि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फायरबार नेता है, और इस मद्देनजर भी उनको देखा जाता है, देखा जा सकता है कि सुरक्षा में एक तरह से कमी देखने को कल जो है वो मिली है। जी सफी, आप लखनऊ में हैं, अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जांच किस दिशा में चल रही है? उन्होंने कहा कि इसके अलावा अयोध्या और अन्य मंदिरों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो जांच को किस तरह से देख रहे हैं? आतंकी हमला मान रही है यूपी पुलिस, लेकिन क्या किस तरह के हथियार मिले हैं उस युवक के पास से? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें हथियार की तो उन्होंने खुलकर नहीं बताया है, एक धारदार हथियार बताया है। धारदार हथियार मान लीजिए छुड़ी हो सकती है, बाका हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सामने आया है उसमें छुड़ी या बाका टाइप का लग रहा है जिससे उसने हमला किया है, और जो पुलिसकर्मी है जो पीएससी के जवान है उससे घायल हुए हैं। देखिए सुरक्षित बात की जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की वजह से ये जो आरोपी है ये पकड़ा गया है जिसने हमला किया, क्योंकि ये गोरखधाम मंदिर है, इसकी सुरक्षा ज्यादा की जाती है, तो जिस तरीके से जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद जब पीएससी के जवान ने जो सुरक्षाकर्मी वहां पर लगातार तैनात होते हैं जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो इसने अपने पास रखे धारदार हथियार से उनको मारना शुरू कर दिया। देख सकते हैं वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो वहां के लोग हैं, जो मंदिर परिसर में दर्शन करने आए हैं, जो वहां के सुरक्षा हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, जो पीएससी के जवान हैं, वो लगातार उसको। सफी एक सेकंड, अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और वो पुलिस के आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं, और पुलिस के आला अधिकारी उनको कल की हुई पूरे घटना के बारे में तफसील से जानकारी दे रहे हैं। अभी भी एटीएस और एसटीएफ की टीमें जांच में जुट गई हैं, पुलिस इसे आतंकी हमला मान रही है, और बाकी अन्य सारे मंदिरों की भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा, तस्वीरों में दिख रहा है कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर हैं, पूरे घटना का की जानकारी ले रहे हैं, आप इसमें और क्या बता सकते हैं वहां से? जी बिल्कुल, ये जो घटना हुआ, चूंकि मुख्य द्वार पे जो दक्षिणी मेन गेट जो है सुरक्षा जो मंदिर का जो है वहां पे ये घटना हुई है, और वहां का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है घटनास्थल पे पहुंच के वहां का जायजा ले रहे हैं कि क्या मामला कल हुआ, किस तरीके से हुआ। लेकिन इसमें यह भी कहने की बात है कि जिस तरीके से पीएससी के जवान, चूंकि वहां पे परमानेंट वहां पे सुरक्षाकर्मी वहां पे रहते हैं, तो जिस तरीके से ये एक बाइक आता है और हमला बोल देता है, और लेकिन जो वहाँ के और बाकी सुरक्षाकर्मी थे उनका ये उनकी जो गुड वर्क कहा जाएगा वो तत्काल प्रभाव से वहां जाते हैं और उनको उसको रोक लेते हैं, वो मामला वहीं पे गेट मेन गेट पे ही रोक लिया जाता है। हो सकता है कि कुछ बड़ी बड़ी भी घटना हो सकती थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने पहले गेट पे ही इसको जो है नाकाम कर दिया। ये बड़ा मामला करने के लिए, जो भी करने के लिए यहाँ पे आया था, इस तरीके की वारदात करने के लिए आया था, उसको निष्क्रिय किया और रोका। तो एक तरह कहा जाता है सुरक्षाकर्मी जो है वहां पे जो और सुरक्षाकर्मी थे उनकी जो है मुस्तैदी से जो है ये रोका जा सका है। तो और अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे अब मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो वहां जाकर वहां अधिकारियों के साथ हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के वो बैठक कर सकते हैं। जी सफी, मैं आपसे जानना चाहूंगा जांच अब किस दिशा में बढ़ रही है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरह से एसटीएफ एटीएस और तमाम अन्य एजेंसियां लग गई हैं इसके जांच में कि कौन आतंकवादी संगठन है, यदि आतंकी घटना है तो, और क्या उद्देश्य था, क्योंकि परिवार वाले ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था, क्या बातें सामने आ रही हैं?
बिल्कुल ब्रिजेश जी, देखिए साफ बता दें आपको कि जो मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे इसको एटीएस को जांच सौंप दिया है और सहयोगी एसटीएफ को बनाया गया है, दोनों टीमों को जांच सौंपी गई है और दोनों टीमें जांच कर रही हैं। और आज देखिए मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच चुके हैं और घटना का मुआयना कर रहे हैं। इससे पहले एसटीएफ की टीम एटीएस की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, लेकिन आपको एक हम ताजा जानकारी देना चाहेंगे कि जो आरोपी है उसको आज एसीजीएम कोर्ट में पेश किया गया है दीपक कुमार के, और 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है उसमें भेज दिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं इससे पूछताछ की जाएगी क्योंकि इससे कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं। देखिए जैसा कि परिवार वालों का कहना है कि मानसिक विक्षिप्त था, तो मानसिक विक्षिप्त लैपटॉप लेके कैसे चलता है, उसके पास कागजात कहां से आते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। देखिए इससे साफ तौर से बात करें हम तो जो एसीएस होम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर से ये कहा है कि हम इसको आतंकी साजिश मान रहे हैं, पूरी तरीके से कंफर्म नहीं किया लेकिन मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आतंकी साजिश मानकर ही, घटना मानकर ही पूरी जांच चल रही है और उसी दिशा में जांच की भी जा रही है। और अब देखा जाए तो चाहे प्लेटफॉर्म हो, एयरपोर्ट हो या मॉल हो, लखनऊ में भी अगर बात करें हम तो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, गोरखपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसटीएफ को अलर्ट कर दिया गया है कि सही जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और भी बढ़ाई जाए, जो और फोर्सेस हैं वो और बढ़ाई जाए, पीएससी के जवान बढ़ाए जाए। तो कहीं ना कहीं जो ये घटना है ये बहुत बड़ी घटना मानकर जो बात करें एसीएस हम उसको चल रहे हैं और जांच एटीएस और एसटीएफ को सौंपी गई है। जी निश्चित तौर पर सफी, ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी यदि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने मुस्तैदी के साथ उस हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया होता। सफी आप हमारे साथ बने रहिए, प्रदीप आप गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।